बड़े और छोटे पर्दे पर राजस्थान की हमेशा धूम रही है। राजस्थान के कलाकार कई दशकों से फिल्मों और सीरियल्स में अपनी खास पहचान बना रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जितने लोग अभिनय की हसरत लेकर मुंबई पहुंचते हैं उनमें से 2 से 5% ही लोग पर्दे तक आ पाते हैं। कारण बेहतर ट्रेनिंग का अभाव। प्रख्यात रंगकर्मी व टीवी के लिए जाना माना नाम रहे जयरूप जीवन अब इस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ओम शिवपुरी, अन्नू कपूर, इला अरुण, असरानी, राजीव खंडेलवाल, स्मिता बंसल, साक्षी तंवर और इरफान, ये सभी टीवी और फिल्मों के जाने माने चेहरे हैं, जो हमारे प्रदेश से मायानगरी में जाकर सफल हुए और फिर पूरे देश के दिलों में बस गए। लेकिन ये गिने चुने चेहरे हैं। हर साल बड़ी संख्या में कलाकार स्ट्रगल के लिए मुंबई जाते हैं और अधिकांशतः बैरंग लौट आते हैं। राजस्थान में टीवी और फिल्मों के अभिनय के लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था न हो पाना इसका प्रमुख कारण है। रंगकर्मी जयरूप जीवन अब फिल्म और सीरियल्स के लिए विशेष एक्टिंग कोर्स शुरू करने जा रही हैं। मैं एक जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि मैं आज के युवा को एक दिशा निर्देश दे पाऊं, उनको एक तरीके से ट्रेन कर पाऊं ताकि वो भटके नहीं। वो उनको आगे इस लाइन में प्रोफेशन में जाना है या नहीं जाना है वो तय कर पाए, और अगर जाना है तो एक समझ के साथ जाएं। जयरूप 80 के दशक में एनएसडी स्टूडेंट रहे और बीते 30 सालों से अभिनय और निर्देशन में पूरे देश में उन्होंने नाम कमाया है। जयरूप ने जयपुर में रंगारंग एक्टिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है, जहां 3 महीने की अभिनय की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सबसे पहले रंगमंच की बारीकियों और फिर छोटे बड़े पर्दे के अभिनय के प्रायोगिक व सैद्धांतिक पक्षों के बारे में समझाया जाएगा। इस ट्रेनिंग कैंप के दौरान थिएटर, फिल्म और सीरियल से संबंधित प्रोडक्शंस भी तैयार किए जाएंगे। 4-5 हजार साल का हमारा रंगमंच का इतिहास है और फिल्म का इतिहास बहुत छोटा है, 100 साल पुराना है। तो रंगमंच के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और कैमरे के सामने भी फिल्मों में भी रंगमंच के कलाकार को इसीलिए ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि वो ज्यादा मच करके आते हैं। इसलिए 2 महीने में रंगमंच के बारे में सिखाया जाएगा और उसके बाद 1 महीना कैमरे के बारे में। इतिहास गवाह है कि मुंबई में बड़े छोटे पर्दे पर उन्होंने लंबी पारी खेली, जो पहले अभिनय का प्रशिक्षण लेकर आए। इस दिशा में जयपुर वासियों को ये अच्छी सौगात मिल रही, बशर्ते ये सिलसिला लंबा चले। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीवी न्यूज, जयपुर।